तो गायब हो गई। अब इतने दिनों के बाद मिली हो, यह हकीकत है या सपना, समझ में नहीं आता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लाए साउथ इंडियन लव स्टोरी मूवीज। इन मूवीज में आपको एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। साउथ की मूवीज कितनी अच्छी होती है कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस्ट इमोशनल रोमांटिक मूवीज के बारे में। इन सभी वीडियो IMDb रेटिंग 7 के ऊपर है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है 7.2 IMDb रेटिंग के साथ धनुष और श्रुति हसन की मूवी 3। ये मोस्ट इमोशनल रोमांटिक मूवी थी। इसकी अच्छाई ये है कि ये फिल्म हिंदी में डब हो चुकी है। मूवी की कहानी में राम और जानकी होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। मूवी की स्टोरी इमोशनल होने के साथ साथ धनुष की एक्टिंग भी लाजवाब है। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज हुई बेहतरीन रोमांटिक फिल्म डैशिंग खिलाड़ी 3। फिल्म के कहानी में दिखाया गया है कि एक बेरोजगार युवक स्थानीय चुनाव में ग्राम प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए फैसला लेता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उससे मैरिज ब्रोकर की बेटी नंदिनी से प्यार हो जाता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपको लव स्टोरी के साथ साथ बहुत अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है 2018 में रिलीज हुई श्रीनिवास कल्याणम। फिल्म की कहानी में एक साधारण सा लड़का वासु दिखाया गया है, जिसके श्री नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे से साथ शादी करना चाहते हैं। हालांकि परिवार के बीच में मतभेद होता है, उनके लाइफ में समस्या आती है। आगे क्या होता है आप मूवी में देखें। इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है, ये मूवी आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगी। नंबर 2 पर है 2021 में रिलीज हुई निनीला निनीला। फिल्म की कहानी में देव नाम का एक ओवरवेट वाला शेफ होता है, उसे उसके किचन के पार्टनर से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके प्रेम कहानी में मोड़ तब आता है जब माया नाम की लड़की, खूबसूरत लड़की, उनके लाइफ में एंट्री करती है। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखो। नंबर 1 पर है 2018 में रिलीज हुई थोले प्रेमा। मूवी के कहानी में दिखाया गया है कि हीरो को वर्षा से प्यार हो जाता है और वर्षा के मन में उसके लिए भी प्यार होता है, लेकिन वो उसे स्वीकार करने के लिए डरती है और वो बाद में वो कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाते हैं। फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, ये मूवी आपको इमोशनली टच करेगी। ये मूवी आपको बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत करो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ना स्नेहा ने दंगलिंच करो, यू कांट स्टील माय मनी। अम्मा ने अपिचे वाले पैंपर जेल रहा है।